अमीर, उठिए अमीर, अमीर उठिए। मैडम प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। मैडम लगता है मिस्टर अभी कुमा में चले गए हैं। क्या हुआ मेरे अमीर को? डॉक्टर अबीर को क्या हुआ? अबीर शायद कुमा में चले गए, पता नहीं कब बाहर आएंगे उससे। Excuse me. बस बस मानो कुछ नहीं होगा। नहीं अमीर, अमीर मुझे बात कीजिए, अमीर मुझे पुकारिए, अमीर, अमीर। मैडम प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। नहीं मैं अमीर को छोड़कर नहीं जा सकती, इन्हें मेरी जरूरत है, मुझे बुलाएंगे अभी, अमीर अभी बुलाएंगे, अमीर 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 मुझे आवाज दीजिए। मैडम आप बात तो समझिए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप प्लीज बाहर जाइए। अभी मेरा वादा है आपसे, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप जल्दी ही मेरा नाम भी लेंगे और मुझसे बातें भी करेंगे और माँ को गले भी लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा अभी, अगर दवा से नहीं तो दुआ से, पर ये होगा, ये होगा अबीर। आके जाने के बाद एक अबीर ही है जो मेरे अपने हैं और आप उन्हें मुझसे नहीं छीन सकती माँ। अपनी माँ को खोने का दुख तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन आपने अगर अबीर को मुझसे छीन लिया तो मैं टूट कर बिगड़ जाऊंगी माँ। आज अगर अबीर को कुछ हुआ ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ये एक भक्त की चुनौती है आपको कि वो अपनी भक्ति की शक्ति दिखाएगी आपको। आज चाहे आंधी आए या तूफान, मैं यहां से नहीं हिलूंगी जब तक अबीर को होश नहीं आ जाता। इसलिए अब सब आप पर है माँ, आज आपको दिखाना ही होगा कि आप अपने भक्तों की बात को सुनती हो। आज आपको दिखाना होगा कि आप उनके दुख को हरती हो माँ। दिखाइए अपनी शक्ति, दिखाइए कि जो रिश्ता आपने जोड़ा है वो आप टूटने नहीं देंगी। आज हमारे रिश्ते की लाज आपको रखनी है माँ। मेरी मांग में ये सिंदूर रहेगा या नहीं ये आपको तय करना है। दिखाओ अपनी शक्ति माँ, दिखाओ अपनी शक्ति। अबीर, अबीर।
अबीर। निर्जा। अबीर। निर्जा। दोबारा मुझे छोड़कर कहीं ना, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अबीर आज जो ठीक हुआ है उसकी वजह सिर्फ मिसेस नीरजा की भक्ति है, उनका विश्वास, उनका प्यार है, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अभी इन्हें आराम करने देते हैं, पर हाँ कुछ दिन इनका खास ख्याल रखना होगा और खाना और दवाई इन्हें समय पे मिल जाए। डॉक्टर साहब मेरा भी ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल, जिसके पास नीरजा जैसी पत्नी है उन्हें क्या हो सकता है। एग्जाम कैसे रहा तेरा? चल अभी फटाफट खाना खा ले, फिर आगे की पढ़ाई करनी है। अबीर मना करेगा लेकिन ध्यान देना कि वो पूरा फिनिश करे। तुम ही चिंता करो ना माँ, मैं अबीर को अपने हाथों से सारा खाना खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच माँ, नीरजा को समझने की कोशिश करने के लिए थैंक यू। की कोरी बोल, तू है ही इतना जिद्दी, तेरी जिद के आगे मैं कमजोर पड़ गई। वैसे भी अबीर तेरी हंसी और घर की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। तो मेरी जिद को मान लीजिए ना। ठीक है, मैं नीरजा को अपनाने के लिए तैयार हूं। एक मौका देने के लिए तैयार, लेकिन आज अगर मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है तो उसे भी 10 कदम बढ़ाने होंगे इस परिवार को अपनाने के लिए। अगर ऐसा है तो 10 कदम तो क्या, मैं 100 कदम भी आग पर चलने के लिए तैयार हूं। हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं बिल्कुल वैसी बहू बन के दिखाऊंगी आपको, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। चलिए अबीर, अब आपकी भी फिजियो का टाइम हो गया है।
तो आखिर में आपने नीरजा को अपनी बहू मान ही लिया। सही है, मैं क्या लगती हूँ फिर, क्यों हूँ मैं इस घर में फिर? तुम ना बहुत जल्दी हार मान लेती हो त्रिशा, किंतु आमी मानी मैं। मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, हालात देखकर किया, पर अब जल्द ही मैं खुद ऐसे हालात पैदा करूंगी जैसा मैं चाहती हूं। अब जल्द ही ऐसे हालात पैदा होंगे कि वो खुद उसे इस घर से बाहर निकालेगा। बस 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 नीरजा, बस बस अबीर, ये लास्ट 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 पक्का प्रॉमिस, इसके बाद और नहीं। नीरजा मैं पक चुका हूँ दवाई खा खा कर, मुझे और दवाई नहीं खानी। तभी तो कह रही हूँ कि ये लास्ट है। नहीं नीरजा प्लीज। अबीर अबीर, गुड बॉय। अबीर हाँ, अब आप आराम कीजिए। नहीं मुझे आराम नहीं करना, कल बाबा का बर्थडे है। और कुछ क्या उन ब्रह्मचारियों का भोज है जिसमें 5 घर में आने वाले हैं? क्या आराम नहीं करना, मुझे जाना है। अबीर, बाबा का बर्थडे है तो उन्हें कोई गिफ्ट भी देना पड़ेगा ना, मैं क्या दूं उन्हें? वो तो तुमने ऑलरेडी दे दिया है, उन्हें उनका बेटा। ये आप ऊपर से कहां से आ रहे हैं और मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, थे कहां आप? ऑफिस में था, और कहां होऊंगा, पता है कितना काम होता है ऑफिस में आजकल। अरे यही तो मौका है बाबा के दिल में उतरने का, वो तो गलती से मैं पीकर आए हैं।
कौशिक जी आपका ध्यान कहाँ है आजकल? चार दिन पहले भी आपका कोई अता पता नहीं था जब मुझे आपकी जरूरत थी, और ये अचानक से आप रात रात भर कौन से काम करने लग गए हैं? जोर से मत बोलो, ये सारी बिजनेस की बातें हैं, दीवारों के खान होते हैं। कमरे में चलो। अरे Happy birthday to you, Baba. Thank you so much, beta. God bless you. Thank you, thank you. अरे एक मिनट। Sorry. हाँ जी. Thank you so much. मैं बाद में बात करता हूँ. Thank you so much. अबीर. Happy birthday, Baba. अरे thank you so much. गले मिलो यार. Thank you. शुभ जन्मदिन बाबा. लालटू, ये पाटला रखने के बाद सारी सब्जियां किचन में रखवा देना. हाँ ठीक है शुभ. माँ, माँ ठीक है आप? कैसे ठीक होंगी बेटा, हर साल तेरे बाबा के जन्मदिन पर उनकी अच्छी सेहत की मंगल कामना के लिए 51 ब्राह्मणों को भोज करवाती, सारा खाना मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है ये कमर दर्द मुझे कुछ करने नहीं देगा. लेकिन हाँ, मेरी बहुएं भी तो हैं. सोचती हूँ इस साल खाना वही बनाए. अरे मामा, इतने सारे लोगों का खाना मुझे बनाना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं बनाना. दाड़ा, घर की रसोई और मंदिर में सिर्फ घर के सदस्य और घर की बहुएं जा सकती, बाहर के लोग नहीं. देख लो, ये सारा खाना बनाना है, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर से जब ब्राह्मण खुश होकर जाते हैं तो अबीर के बाबा और इस परिवार के मंगल के लिए पूरे साल जाप करते हैं. बना पाओगी 51 ब्राह्मणों का खाना? हो जाएगा माँ, सारा खाना बना लूंगी मैं, और देखना आज सारे ब्राह्मण खुश होकर जाएंगे घर से. और बाबा के जन्मदिन का खाना ठीक वैसे ही बनेगा जैसे आप हर साल बनाती हैं. लेकिन माँ, नीरजा को तो अभी कॉलेज जाना है ना? हाँ, लेकिन आज मैं कुछ लेक्चर्स ही अटेंड करूंगी और जल्दी से घर वापस आके सारा खाना बना दूंगी. माँ ने बहुत भरोसे से मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है. देखा जाबे, तुम मेरे भरोसे का मान रख पाती हो या नहीं? मैं रखूंगी माँ, मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी. धन्यवाद माँ. थैंक यू नीरजा, माँ की बात मानने के लिए, क्योंकि मेरे होते हुए तुम कोई भी चैलेंज पूरा नहीं कर पाओगे. नीरजा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ. वैसे एक बात कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने तुम्हें अपनी बहू की जैसे अपना लिया. सच में आई एम सो हैप्पी. अभी आप
कल रात को मेरे कमरे में आए थे क्या? हाँ। नहीं मतलब मेरा प्यार तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है ना, तुम्हारे साथ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अभी, कल रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में था। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मेरा प्यार तुम्हें इतना ज्यादा लगता है ना कि जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे पास। चलिए कानूनी है? थाईलैंड में, इंडिया में तो गैर कानूनी है। मैंने सुना है कि तुम जेल भी गई थी इस चीज के लिए। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं। बोलो ना। अभी इंसान के कर्मों से ज्यादा उसके जन्म को क्यों महत्व दिया जाता है? समझा बट ओरिएंटेशन के दिन बहुत लेक्चर दिया था ना इस लड़की ने, लेकिन एक लेक्चर से इसकी असलियत नहीं बदल जाती। किसने बनाए? तुमने? अबीर प्लीज रहने दीजिए। ये गलत है ना नीचे, गलत है ना ये? किसने बनाया? तूने बनाया ये? शर्ट खोलो, शर्ट खोलो। ए चुप, बात कर रहा हूं ना, चुप। शर्ट उतार, जल्दी उतार, जल्दी कर, मेहंदी लगी हाथों में। तारिक को जा, जाके साफ कर बोर्ड। चल निर्जा अबीर बागची, ये नाम है, समझ में आ रहा है? याद रखना ये नाम, और तू इंसान बन जा। अच्छे से पढ़ाई करना तुम, डोंट वरी, मैं हूं ना। बिशुदा, खीर के लिए दूध उबल गया? हाँ। आज खाने में 4 सब्जी, रायता, सैलड, दही बड़ा, 50 रोटी, पुलाव और एक और मिठाई बनेगी, और आप सिर्फ डेकोरेशन में हाथ बटाएं, किचन में हाथ बटाने की कोई जरूरत नहीं। आज का सारा खाना नीरजा बनाएगी, एकला। ठीक है। पर माँ ऐसे कैसे, इतने सारे आइटम्स वो कैसे करेगी? क्यों नहीं, मेरे बेटे के सामने उसने जिम्मेदारी ली थी ना कि मेरे जैसा पूरा खाना बनाएगी वो, तो देखते हैं कैसे निभाती है वो अपनी ये जिम्मेदारी।
So friends, this generation's burning problem is cybercrime. You and I have faced this very often. So I think this is a time that we should address it in terms of law. आज मैं एक एग्जाम लूंगी। एग्जाम? हाँ, आपको प्रॉब्लम है? नहीं। इस बॉक्स में जजमेंट्स हैं। आप इनमें से एक एक चिट उठाएंगे और उस चिट में जितने नंबर लिखे होंगे उतने जजमेंट्स की थ्योरी आपको लिखनी है। किसको कितने जजमेंट्स मिलते हैं ये आपका लक है। टू जजमेंट्स। थ्री। Ten judgments. Das judgment. इस एग्जाम के बेस पे आपको फर्स्ट टर्म के मार्क्स मिलेंगे तो मेरा ख्याल है आप इसे जरा सीरियसली लें। यदि इसमें फेल हो गए तो अपने आप को फेल समझिए। फेल? मुझे तो 2:30 बजे तक 51 ब्राह्मणों का खाना भी बनाना है। बाबा के बर्थडे के लिए कैसे पहुंचूंगी टाइम पे घर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हे काली माँ, मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके ये पेपर 12:30 तक खत्म करना है मुझे, ताकि 1 बजे तक मैं खाना बनाना शुरू कर सकूं। मिर्चा, क्या है? बहुत सोच लिया नीरजा के बारे में। इसको कैसे पता मैं नीरजा के बारे में सोच रहा था? अब मुझे उसके बारे में बात करनी है। मैंने क्या किया मम्मू? लेकिन मैंने तो ऐसे कुछ कहा ही नहीं कि आपने कुछ किया। आपने कुछ किया है क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा? ठीक है, आपने कुछ नहीं किया इस बार, लेकिन माँ ने कर दिया है। अरे अब तक माँ ने नीरजा को इस घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन आज तो बहुत बड़ा गंडगोल हो गया। माँ खुद नीरजा का हाथ पकड़कर उसे रसोई ले गई। अरे अब वो घर पर आई गई है तो क्या ही कर सकते हैं ना, और मेरे लिए तो अच्छा ही है। क्या? मेरा मतलब हमारे लिए तो अच्छा है ना। वो माँ का हाथ बटाएगी घर में तो तुम फ्री हो जाओगी, तो हमें रोमांस का टाइम मिलेगा ना। और वो नीरजा घर पे रहेगी तो त्रिशा घर से बाहर हो जाए। सर, जो प्रोजेक्ट अभी सर हैंडल कर रहे हैं उनकी फाइल उनके कैबिन में ले जानी है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक अच्छे। अभी के लिए तो तूने प्रोजेक्ट मुझसे ले लिया अभी, पर वो दिन दूर नहीं
जब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, इस बार बिजनेस भी और सॉरी, मैंने देखा ही नहीं है। पेन का मेरे पैर के नीचे आ गया। मैम, आप मुझे अपना पेन दे सकती हैं क्या? आपके पास पेन है क्या? कोई एक्स्ट्रा पेन? ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीरजा, अब हमारी बारी है उनके भरोसे पर खरा उतरने की। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं ऑफिस में हूँ, ड्राइवर थोड़ी देर में मैं लेने आएगा। ओके डन, श्योर, थैंक यू, थैंक यू। सुदीप दादा, 12 बज गए, नीरजा मैडम को कॉलेज से लेकर आइए ना आप। नहीं नहीं, मुझे लेट होगा, आप रिसीव कर लीजिए। माँ, 12:30 बज गए हैं। नीरजा अब तक आई नहीं है। मुझे लगता है हमें खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जब नीरजा ने जिम्मेदारी ली है पूरा खाना बनाने की, तो खाना तो वही बनाएगी, वरना सबके सामने वो अपनी गलती माने, माफी मांगे और ये कहे कि वो इस घर परिवार की बहू बनने लायक नहीं है। तुम्हें ड्राइवर लेने आ रहा है नीरजा। मैं एग्जाम बीच में छोड़ के कैसे जाऊं? मेरा पेपर तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। मैडम, मेरे 10 जजमेंट हो गए। That's impossible. तुम इतना जल्दी पूरा कैसे कर सकती हो? अब मैं घर जा सकती हूँ क्या? तुम जा सकती हो। थैंक यू मैम। दादा, जल्दी घर चलिए। हेलो नटराज होटल। मुझे खाना ऑर्डर करना था। माँ, मैं आ गई हूँ। मैं सारा खाना बना दूंगी। तुम कैसे? सॉरी माँ, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है नीरजा, इतने कम समय में इतना सारा खाना बना लोगी? आज अगर ब्राह्मण हमारे घर से भूखे चले गए, इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सॉरी माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, आज बाबा के जन्मदिन पे ना ही इस घर की भोज कराने की रीत टूटेगी और ना ही कोई ब्राह्मण भूखा जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा है तुम्हारे पास। आज बागची परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है।
मुनमुन बो माँ, हाँ? होटल में खाने का ऑर्डर दे दो, मुझे नीरजा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन अगर उसने खाना बना लिया तो होटल का खाना बाबा के नाम पर गरीबों में बंटवा देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अच्छा मेहनत करनी है कर लो नीरजा, पर मेरे होते हुए तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कम से कम मसाले नाप तोल के तो डालो। अगर खाने में स्वाद नहीं हुआ और ब्राह्मणों ने भोज नहीं लगाया तो इतना सब बनाने का क्या फायदा होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मेरी माँ ने सिखाया था मुझे। आपके आशीर्वाद से और माँ के प्यार से ऐसा रस घोलूंगी ना मैं खाने में कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद बरसेगा बाबा पे। तुम ही चिंता करो ना, आप जाइए और जाके पूजा की तैयारी कीजिए। माँ मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। तुम नहीं, हम संभाल लेंगे। वैसे भी ये चुनौती तुम्हारी अकेले की थोड़ी ना। अभीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना। माँ, मैं सब काम खत्म करके आया हूँ और वैसे भी बाबा का बर्थडे है ना, तो थोड़ी सी मदद कर दूंगा मैं। करे? पता नहीं इतने थोड़े टाइम में कैसे होगा ये सब। हो जाएगा माँ, आपका जिन हाजिर है ना, सब हो जाएगा। आप हुक्म कीजिए मेरे काका। काका आ गए। नीरजा जल्दी। मैं जरा किचन से। ब्रह्म भोज रेडी है, आप टेस्ट कर लीजिए। नीरजा, खीर ढक देते ना। नहीं अबीर, खीर को ठंडा होने देते हैं और स्वादिष्ट लगेगी। ओके। आप ये जरा खाना चेक कर देखिए ना, देखिए सही से बनाए कि नहीं। मैं तब तक ताड़ ताड़ी चेंज करके आती हूँ। माँ, मैं भी जाता हूँ।
ब्राह्मण आ गए, क्या जवाब दूं उन्हें मैं? ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। नीरजा ने अबीर के साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया है। 1.5 घंटे के अंदर उसने 51 ब्राह्मणों का भोजन तैयार कर दिया। नहीं जीत सकती है नीरजा, नीरजा नहीं जीत सकती है, नीरजा नहीं जीत सकती है। मुझे उसके खाने में कुछ मिलाना होगा, उसका खाना खराब करना होगा मुझे। क्या क्या करूं? तुम्हारा चेहरा तो ऐसे पीला पड़ा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। छुपा रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगी, वो क्या है ना बॉडी, मैं बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, तो शायद इसलिए। थक गई हूँ? बिना काम किए? अच्छा अच्छा, शायद तुम बहुत मेकअप करके थक गई होगी। ठीक अच्छे, ये लड़की पक्का कुछ ना कुछ तो गंडोगोल करेगी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। हर साल बाबा के जन्मदिन पर माँ ही सात्विक भोजन बनाती है, लेकिन अब की बार मेरी धर्मपत्नी ने ये भोजन बनाया। यह तो बहुत अच्छी बात है, जो भोजन खिलाता है उसे तो आशीर्वाद मिलता ही, लेकिन जो भोजन बनाता है उसे आशीर्वाद दुगना मिलता है। नहीं, वो एक मीटिंग के बारे में सोच रहा था। ये त्रिशा कहाँ है? ये रसोई में क्या करने गई थी? पंडित जी, भोजन प्रारंभ कीजिए। ओम तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वाप्सि परमेश्वरः। भोजन तो शुद्ध है। अनादर हुआ है हमारा, ब्राह्मण भोजन में छिपकली। Thank you.
घोर अपमान हुआ है हम ब्राह्मणों का। मौसमी जी, आज आपने जो अशुद्ध भोजन परोसा है, हम सभी ब्राह्मणों को मजबूर कर दिया है कि हम इन्हें श्राप दें कि नहीं, पंडित जी नहीं, हमारी गलती क्षमा कर दीजिए पंडित जी, फिर ऐसा नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए। पीछे होटल में फोन कीजिए, आप खाना मंगवाइए प्लीज पंडित जी, क्षमा कर दीजिए। पाप की माफी नहीं होती है, पाप की सजा होती है। इसलिए हम सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद के अलावा आपको हमारा श्राप मिलेगा। चलिए विप्रदेव। पंडित जी रुक जाइए। निर्जा, मैंने तुमसे कहा था कि खीर को ढक के रख दो, क्यों नहीं किया तुमने? मौसमी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मिर्जा पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। माफ कर दीजिए माँ। आज पहली बार हमारे घर में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है अबीर। अबीर, मैंने तेरी खातिर, हमारे माँ बेटे के रिश्ते की खातिर नीरजा को ये एक मौका दिया था, पर देख देख कैसे कैसे निभाया इसने ये रिश्ता, ये जिम्मेदारी, ये प्यार। बात बता, अगर ये ऐसे ही होने वाला है कैसे अपनाऊंगी मैं इसे, बता। क्या तुझे भी यही लगता है कि इसमें भी नीरजा की कोई गलती नहीं है? हाँ, जवाब दे अबीर। एक बार फिर हमें नीरजा की वजह से अपना सर शर्म से झुकाना पड़ा। काली माँ, अच्छा हुआ पापा स्कूल गया है, पर ना खीर तो उसकी फेवरेट है, सबसे पहले वो यही खाता, और अगर ये खीर वो खा लेता तो उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। मैं सॉरी अबीर, मैं आपकी और माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे खीर को ढक देना चाहिए था। अभी आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। Hey, it's okay. जो हुआ सो हुआ, उसको बदल तो सकते नहीं है, भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किस्मत और कितने इम्तिहान लेगी हमारे। बस ठीक है चल। निर्जा, आज पापा का जन्मदिन है और इस याद को हम कड़वी याद में नहीं बदल सकते। माँ बाबा को खुश करना है हमें, तो एक पापा के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करें। हाँ अबीर, आज पापा की लाइफ की बेस्ट बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। उनके दोस्त आएंगे, रिलेटिव आएंगे, तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। चलो। सार्थक, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बाबा को इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। बहुत ही टेंशन हो, मैंने मेन डोर लॉक करा दिया बाहर से, बाबा क्या किसी को मालूम नहीं चलेगा। अरे बाहर से दरवाजा बंद क्यों है? सिक्योरिटी,
अरे बाहर से दरवाजा बंद है, खोलो से। अब क्या करें? नहीं नहीं दादा, नहीं नहीं, अब यहीं पे रुके, मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ। बाबा एक सेकेंड। हाँ बाबा। क्या बात? वो बाबा वो बाहर मुहिम चल रही है ना, तो इसलिए बंद किया, वो धूल मिट्टी आएगी अंदर, तो अब जाइए मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ हम सब मस्त पार्टी करने जाएंगे, वहां धंधा भी करेंगे और किसी और का धंधा मंदा भी करेंगे, ठीक है जी? ए जुमली, नहीं समझी? मतलब किसी से हिसाब किताब लेना है और फिर उसका मजा भी लेना है। लेकिन मेरा क्लाइंट आ चुका है दीदून, मुझे उनके पास जाना है। ए, तुझे पैसा कौन देता है? किलाइन के दीदून? तो फिर दीदून जैसा बोलेगी वैसा ही करने का। कब किधर जाना है, कैसे जाना है, जाना है नहीं जाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, सब दीदून बोलेगी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, नए नए कपड़े ले आई हूँ मैं, ये रखे हैं, हाँ चलते हैं पार्टी करने। ए शब्बू, नजर रखना सब पे। परफेक्ट। अच्छा सार्थक, जब मैं इशारा करूं तभी सब लोग बाहर आने चाहिए। हाँ दादा डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अच्छा और क्या रह गया? निर्जा जाओ चेंज करो, मुझे एक फोन कॉल करना है। सार्थक यहाँ संभालना। हेलो इसको। अच्छा ठीक करो। हाँ ठीक है ओके। फिसल गया, मेरा मतलब है मैं फिसल गया, मैं फिसल गया। लग रही है कि नहीं, आज मैं बेस्ट दिखना चाहती हूँ वीर के लिए। आप क्या हुआ, डर क्यों रही हो? पति हूं तुम्हारा। अच्छा वीर, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत, एकदम परी के जैसे। वो क्या कहते हैं, हमें तुम्हारे खूब भालोबाशे। मीट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, My wife, Mrs. Neerja Birbakji. किसी की नजर ना लगे।